हेलो एंड वेलकम टू योर डिजिटल क्लासरूम स्टडी विद सुधीर। क्या आपने स्टडी विद सुधीर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द रेगुलर अपडेट्स। आई एम टी एस सुधीर एंड यू नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द ICSE क्लास 10 का टाइम टेबल और द डेट शीट दैट हैज बीन डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड एंड पुट आउट बाय द बोर्ड ऑलरेडी। द एग्जाम्स आर स्टार्टिंग from the 27th of February, which means you have just about 2 months to go, 2.5 months to go before the exam start. So, ज़्यादा time नहीं है, लेकिन date sheet, timetable को भी एक तरह से closely देखना बहुत ज़रूरी है in order to plan कि किस तरह का आपका strategy होना चाहिए as far as the final exams is concerned. Why I'm saying this? I'm saying this is because in 2019 में board gave 0-day gap as far as the Hindi paper was concerned. और उसकी वजह से हिंदी के जो एग्जाम था उस पर थोड़ा सा असर हुआ। People who were expecting to score very high marks could not score very high marks because आधे दिन में पूरे सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ना, रिवाइज करना भी मुश्किल हो गया था। तो एक तरह से that was, I thought, bad strategy by the board in 2019 not to give even a single day gap for the Hindi exam. It came immediately after the English literature exam. तो पहला एग्जाम लाइक ऑलवेज इज दैट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज ऑन द 27th ऑफ फरवरी। द एग्जाम स्टार्ट्स एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग्स एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द फर्स्ट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, पहला बोर्ड एग्जाम है। सो देर विल बी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इन द स्टमक, देर विल बी टेंशन, पेरेंट्स टेंशन में होंगे। यू शुड मेक इट अ पॉइंट टू रीच एटलीस्ट 1.5 to 2 hours एट योर एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि आपका खुद का स्कूल हो सकता है या हो सकता है दूसरा सेंटर हो, लेकिन जहां पर भी हो एंश्योर दैट यू आर देयर वेल इन टाइम 1.5 to 2 hours। लास्ट मिनट पे ट्रैफिक जाम हो सकता है, कोई VIP मूवमेंट हो सकता है, गाड़ी में ब्रेक डाउन हो सकता है, यू वुड नॉट वॉन्ट टू टेक दोज चांसेस, वुड यू? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, पहले से ही पहुंच जाइए, हैव लॉट ऑफ वाटर, ऑल इलेक्ट्रॉल विद यू, आके Do not try to discuss with too many students. आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप शांति से उसको एक तरह से assimilate कीजिए, maybe talk to your teachers. There are some schools which make you do some breathing exercises in order to calm down because trust me, बहुत ज़्यादा tension होता है. I have seen students breaking down just 15 minutes, half an hour before going into the examination hall. तो please try to ensure कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए. English language का paper, दूसरा बात ये था, लास्ट टाइम वॉज वेरी ट्रिकी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स हु आर यूज्ड टू स्कोरिंग ऑलमोस्ट 100 on 100 इन एन इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम, दैट इज 80 on 80, एंडेड अप स्कोरिंग ओनली अबाउट 70 to 74 मार्क्स। सो लास्ट टाइम वॉज वेरी ट्रिकी। इनफैक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर टर्नड आउट टू बी अमंग द वर्स्ट पेपर फॉर मेनी स्टूडेंट्स इन दैट बैच ऑफ क्लास 10। सो एंश्योर दैट आपने इसके लिए अगर 27 फरवरी को एग्जाम है तो 25 और 26 फरवरी एटलीस्ट 2 days डिवोटेड टू डूइंग ओनली इंग्लिश ग्रामर, प्रैक्टिस लेटर राइटिंग, प्रैक्टिस नोटिस राइटिंग, प्रैक्टिस ईमेल राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़िए, पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं उन सबको आप पढ़िए, इसके पहले के जो आपके स्कूल में जो एग्जाम्स हैं इसके साथ साथ आपको दूसरे स्कूल्स के एग्जाम के पेपर्स भी मिल सकते हैं, जो कि मुंबई के कॉलेजेस हों, बेंगलोर के कॉलेजेस हों, कोलकाता के स्कूल्स हों, बेग योर पार्डन, तो आप उन सभी स्कूल्स के एग्जामिनेशन पेपर्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पूरी तरह से अभ्यास हो जाए दैट यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन द इंग्लिश ग्रामर। Go with complete practice. There is nothing better than practice as far as the English language paper is concerned. I'll be doing video lessons on English language in the days to come. But till then, this is going to be your strategy. This should be your strategy. And I'm telling this from the experience of teaching my daughter how we prepared for the English language exam and how it actually turned out to be much more tough than what we expected. Okay. So, and somehow we got the feeling that even the correction was invigilation was a little tougher than what we expected. So that is as far as the first exam on the 27th of February is concerned. Those of you who have also taken an environmental science subject, you have bad news because 28th of February is an environmental science paper. So that is something you will have to prepare right at the beginning. You cannot leave it to the 27th of February afternoon to study. That period should be only for revision and nothing else. So be prepared for the environmental science paper. Do it by the 20th of February itself. Be prepared for it. Okay, do not leave it to the last minute.
Now, the interesting thing is that this time there is a gap between English 1 and 2 and they have put mathematics in between. They have put mathematics in between, which is very strange. On the 3rd of March, you have the maths paper for 2.5 hours. Maths can be very easy. It can be very difficult depending on your aptitude. So, you have a good gap between the English paper or the environmental science paper and maths. But again, those 2-3 days you need to keep only for revision. Maths is another subject which you should have done well in advance. Do not leave it to the last minute to study. Maths is another paper you can score 100 on 100 as everybody will tell you. And you can do it. It's not difficult. You just need to be thorough with the concepts. So trust me, this is a good, it's an interesting decision taken by the board to put maths before English 2. The English 2 paper is on March 6th, on the 6th of March, literature paper for 2 hours. All the videos of all the poems and the stories are there in Study with Sudhir. Please go through it. You will not get a better explanation and I can vouch for it. From an MA literature student from Delhi University whose daughter got 100 and 100 in the 2019 paper because we knew how to crack the paper. Trust me, go for it. Read through all the lessons, take down the notes and write those answers, you will get 100 on 100. So, March 6 is your big day as far as the English literature paper is concerned. Then after that, you have the art papers on March 7. You have the history civics papers coming on the 11th of March. You have a good gap and this good gap should be used to study and revise well. So, if you do not have the art subjects to do, you have 7th, 8th, 9th and 10th, 4 days for history and civics. Great gap. You should be able to crack 100 on 100 on history and civics very easily. Very possible, very possible. So 11th of March, history and civics. Then 13th is the physics paper. Again, that means what you could possibly do is that out of the 4 day gap for history and civics, in the first 2 days, that is on the 7th and 8th, you should revise history and civics, finish off the portion. 8th, you could possibly keep as a day when you do physics in advance. Understood? For a first revision of the physics paper, you can do physics. And on the 10th, 8th and 9th, you do history and civics. 10th, you do physics. 8th, 9th and on the 7th and 8th, I beg your pardon. 7th and 8th, you do history and civics. 9th, you revise physics. And on the 10th, do a second revision of history and civics before you get into the examination hall for history and civics paper on the 11th of March. Okay, no problem. Usme koi problem nahi hogi. Isse do fayde honge. History and civics ki do bari revision ho jayegi aur physics ki bhi ek revision ho jayegi before you get into the physics paper after the history and civics paper. Physics ka paper hua aapka 13 March ko. Okay, uska pehla revision aapne pehli ek din pehle kar liya hai. उसका सेकंड रिवीजन इस दौरान 12 मार्च को पूरी तरह से कर लीजिए. इसके बाद आता है आर्ट पेपर और उसके बाद 16 मार्च को है केमिस्ट्री का पेपर, व्हिच मींस यू हैव 2 डे गैप फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री अनलाइक मैथ्स एंड फिजिक्स इज अ लॉट ऑफ थ्योरी, तो उसमें टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है. इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. तो इसमें भी इफ यू वांट टू डू एटलीस्ट 2 सॉलिड रिवीजंस, व्हिच आई एंश्योर्ड माय डॉटर ऑलवेज डिड बिफोर एवरी पेपर, यू हैव टू एंश्योर दैट जिस दिन एग्जाम खत्म हो, आने के बाद यू स्लीप फॉर 2 hours, 3 hours, हैव योर फूड, बी रेस्ट, वेल रेस्टेड, और उसी दिन से आप एटलीस्ट शाम को 4 बजे से आप शुरू हो जाइए. 4 बजे 5 बजे से आप अगले पेपर के अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, सो दैट इन दैट हाफ डे एंड द नेक्स्ट डे यू फिनिश द फर्स्ट रिवीजन एंड द डे आफ्टर दैट यू कीप इट फॉर एन एंटायर सेकेंड रिवीजन. तो अगर आप 2 प्रॉपर रिविजन कर लेते हैं, trust me, you will be able to score very high marks at upwards of 95% to 98% marks in chemistry for sure. Ye to hua chemistry ke this thing. Then on March 18, you have the different languages paper for those of you who have taken the language papers like Tamil, Telugu, Urdu, Oriya, Arabic, Chinese, etc. Then you have on March 20, you have the geography paper, which means you, for those who are not taking the languages paper, you have a good gap of 17, 18 and 19. 3 day gap as far as geography is concerned, which is great news. Which is great news for the simple reason that geography mein portion kaafi hai. Even though, and I will be going through the geography paper on how you actually can choose the text
the chapters on which you can choose, and I will also tell you, give you tips on how to choose those chapters, जिसकी वजह से you can score very high marks. लेकिन 3 दिन का gap का मतलब हुआ कि आपको इन तीनों सभी chapters को पढ़ने का काफी अच्छा मौका और बहुत सारा समय मिलेगा, which is a very good decision by the board. So वो तो हुआ as far as geography is concerned on the 20th of March. उसके बाद आता है 21st को art paper है, 23rd of March को you have computers का paper. Last time I remember computers के लिए 1 week का gap मिला था, और 1 week का gap का problem क्या था, that उसमें एक तरह से momentum lose हो गया था, एक momentum build up होता है. This time the gaps are not more than 3 days for any paper, which is actually a very good decision. Last time the board had done a bad job by giving no gap for Hindi but giving 1 week gap for computers. This time this particular gap of just about 3 days for 20th geography and 23rd computers, which will mean only 2 days, 21 and 22 for computers, which is good gap. Again, you should have prepared it well in advance, but two days and 2.5 days gap is a good gap to learn computers, and is tarah se momentum loose nahi hoga. 26th is Hindi. Thank God they have given 2 days, because Hindi ka bhi kafi bada syllabus rehta hai aur usme abhyas karne ki zarurat padti hai. मुहावरों को याद रखना और जितने भी जो शब्द के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उस स्कोरिंग पोर्शंस हैं, उसको सब पढ़ने की उसमें काफ़ी समय लगता है. तो इस बार ही आपको 2 दिन का गैप मिला है जिसमें कि आप हिंदी को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं. दिस इज़ गुड न्यूज़ एज फार एज योर बैच ऑफ 2020 इज कंसर्न. और उसके बाद 27th को इकोनॉमिक्स है. अगेन इकोनॉमिक्स को इस बार ही जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लिया है बजाय कंप्यूटर्स के लिए, उनके लिए जरूरत पड़ेगी. तो उनके लिए ज्योग्राफी के बाद हिंदी का पेपर आता है 26 तारीख को और 27 को इकोनॉमिक्स. सो व्हाट दे विल नीड टू डू इज टू यूटिलाइज द लॉन्ग गैप फॉर हिंदी एंड एंश्योरिंग दैट दे आल्सो डू ए बिट ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पोर्शन. इनफैक्ट दे रिवाइज द एंटायर पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग दैट 5 डे गैप. तो ये आपको इंटेलिजेंटली आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि ज्योग्राफी का पेपर हुआ 20 तारीख को, 26 तारीख का एग्जाम है हिंदी को और 27 का इकोनॉमिक्स है. तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी आपको 20 और 25, 21 और 25 तारीख के बीच में 2 दिन एटलीस्ट आपको इकोनॉमिक्स को डिवोट करने पड़ेंगे, ताकि इकोनॉमिक्स का पेपर किसी तरह से आपका कॉम्प्रोमाइज ना हो. इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए. इसके बाद हम आते हैं आखिरी पेपर पर, हा बायोलॉजी. पिछले साल भी बायोलॉजी आखिरी पेपर था March 30 को. इसके लिए आपको गैप मिलते हैं 2 या 3 दिन डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव इकोनॉमिक्स और नॉट. तो बायोलॉजी का पेपर हुआ आखिरी पेपर. आखिरी पेपर में सबसे बड़ा रिस्क बच्चों ये रहता है कि एक तरह से जल्दी रहती है कि किसी तरह एग्जाम खत्म हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं. और इसके चलते क्या होता है, आखिरी पेपर में बच्चे विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं. आप ऐसी गलती कभी ना करें. स्टे फोकस्ड टिल द लास्ट एग्जाम. It's just a matter of another exam, another day, and March 30 ke baad you'll all be free birds. Nobody's going to talk about studies with you. You can party, watch movies, go out with your friends, do anything, go out for holiday. But stay focused till 1 p.m. on the 30th of March. Do not lose your focus. कई बच्चों का ऐसा हुआ है, मेरे बैच में जब हम विद्यार्थी थे तब भी हुआ है, that the last exam would invariably get a little affected because you are too excited about the holiday that you are going to go to after that exam. Aisa mat kijiye. So stay focused till 1 p.m. on the 30th of March, jab aapka biology ka exam khatam na ho jaye, and uske baad we'll all wait for another 1.5 odd months for the results to come. So that is as far as the analysis of the date sheet. It's a good date sheet, except you need to be careful for the economics paper in particular, those of you. But compared to last year, I think this time they have given a much better timetable for the ICSE class 10. So all the best to you. May all of you do very well. May all of you get 100% marks in almost all the subjects. And I look forward to hearing from all of you on what you thought of this particular timetable. Thank you very much. Do like the video, do share the video with your friends so that this message can go out loud and far. Thank you very much.